राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के बैनर तले आजीविका विभाग कार्मिकों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कार्मिकों का कहना है कि वह 3 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। वहीं उनका कहना है कि उन्होंने स्थायीकरण करने की मांग के साथ ही मानदेय बढ़ाने और राजस्थान सरकार की ओर से 10% मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की गई, लेकिन अब तक वह नहीं बढ़ाया। इन सभी समस्याओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया जिला प्रबंधन ने कि ऐसे ऐसे कैडर हमारे पास जो कि 24 घंटे तो उनके 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन आज तक उनके एक साल में एक बार वृद्धि मानदेय में वृद्धि नहीं हुई। वो बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने पहले भी एक 10% का इंक्रीमेंट लगाया था सभी कर्मियों के लिए, वो आज तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला हमारे विभाग में। बस यही कहना चाहते हैं। आज तक गया हमने, आज हम मान्य जो 19 तारीख से हमने कार्य बहिष्कार किया है सभी के, मतलब कोई काम नहीं करेगा, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, और ये अनिश्चित काल तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी जब तक चलता रहेंगे। काली पट्टी बांध, बिल्कुल काली पट्टी के बांध के हमने कार्य बहिष्कार किया। आपका नाम? मेरा नाम है कैलाश चौधरी। क्या है समस्या? आज हम सभी राजीविका कार्मिक मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय से आए हैं। कलेक्टर महोदय से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब तक हमारी सभी कार्मिकों की जो मांगे हैं विगत 3 वर्षों से लगातार चली आ रही हैं। सबसे पहले हमारी मांग है स्थायीकरण की। जो संविदा कर्मी निविदा कर्मी हमारे राजीविका में कार्य कर रहे हैं उन सबको स्थायीकरण किया जाए सबका। इसके साथ में अभी तक जो लास्ट वित्त वर्ष चल रहा है अभी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने 10% बढ़ोतरी की मांग की थी सभी दी, अभी तक हमारे राजीविका कर्मचारी को किसी को भी 10% की वृद्धि करके मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत दुखद विषय है। पूरा साल बीत गया है, हम लास्ट 12वें महीने में जा रहे हैं, इसके बाद में भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि ये तो लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी, उसके बाद में भी हमारी ये 10% वाली इंक्रीमेंट वाली मांग पूरी नहीं हुई है। इसके साथ साथ हमारे बहुत बहुत अल्पभोगी कैडर जो हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं विगत 5 और 6 वर्षों से, जिनका एक बार भी मानदेय वृद्धि नहीं किया गया है, ये भी हमारी इसमें विशेष मांग है। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र है, मैं जिला प्रबंधक राजीविका में कार्य करता हूँ।